सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं दीदी? हम सब अच्छे हैं दीदी। दीदी, क्या आप लोगों को पिछले बैठक की चर्चा याद है? हाँ दीदी, पिछले बैठक में हम लोगों ने सीखा था कि 6 माह तक बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी सभी पोषण माँ के दूध से पूरा हो जाता है, परंतु 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध उसके पोषण की आवश्यकता को आधी मात्रा में ही पूरा कर पाता है। इसीलिए जो बच्चा 6 माह का हो जाए तो माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। और हमने यह भी सीखा था कि बच्चों के रोज के खाने में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों को जरूर शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छा, आइए अब हम लोग महिलाओं, खासकर गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार के बारे में जानते हैं। क्यों गुणवंती दीदी? हाँ दीदी, महिलाओं खासकर गर्भवती एवं धात्री माताओं को पौष्टिक भोजन लेना बहुत जरूरी है। जैसा आपने बताया था, मैंने मीना के गर्भ अवस्था से लेकर अब तक उसके खान पान का पूरा ध्यान रखा है, तभी तो वह स्वस्थ है। और खुशबू का भी अच्छे से ध्यान रख पाती है, जिससे खुशबू भी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है। सही कहा दीदी आपने, पौष्टिक आहार सभी महिलाओं के लिए जरूरी है, लेकिन गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए विशेष तौर पर जरूरी है, क्योंकि इस समय गर्भ में पल रहे बच्चे का तेजी से वृद्धि एवं विकास होता है। बच्चे के मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। गर्भवती महिलाओं का वजन सामान्य से 10 से 12 किलो तक बढ़ता है। अच्छा दीदी, पौष्टिक आहार का क्या मतलब है? पौष्टिक आहार का मतलब अपने रोज के खाने में 10 खाद्य समूहों से कम 5 खाद्य समूहों को शामिल करना। 10 खाद्य समूह क्या हैं दीदी? हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो कि इन 10 खाद्य समूहों से प्राप्त किए जाते हैं। अनाज और कंदमूल जैसे ज्वार, चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, आलू, शकरकंद, अरुई, मिश्रीकंद इत्यादि। दाल एवं फलियों जैसे वकला का दाल, चना, मसूर, राजमा, मूंग, अरहर, कुर्थी, सोयाबीन एवं अन्य फली उत्पाद। बादाम और बीज जैसे तिल, मूंगफली, कोहड़ा का बीज, पोस्ता दाना, काजू, बादाम, पिस्ता इत्यादि। दूध एवं दूध से बनी चीजें जैसे कि दही, पनीर, घी।